हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियूज कंटेंट चैनल के बारे में। अगर दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन रियूज कंटेंट की वजह से डिसेबल हो गया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों रियूज कंटेंट की वजह से जिस चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है उस चैनल को दोस्तों वापस मोनेटाइज कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आपके भी यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन रियूज कंटेंट की वजह से डिसेबल हुआ है और आप अपने यूट्यूब चैनल को वापस मोनेटाइज करना चाहते हैं और आप अपने YouTube चैनल से वापस पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रियूज कंटेंट की वजह से जिस चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है उस चैनल को दोस्तों वापस मोनेटाइज कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगर दोस्तों आपके भी यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन रियूज कंटेंट की वजह से डिसेबल हो गया है और आप अपने यूट्यूब चैनल को वापस मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है डेस्कटॉप मोड को ऑन करके। जब दोस्तों आप अपने YouTube चैनल को क्रोम ब्राउजर में ओपन करोगे डेस्कटॉप मोड ऑन करके तो दोस्तों आपका YouTube चैनल कुछ इस तरह से ओपन होगा। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा चैनल अभी ओपन किया हुआ है क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड ओपन करके। तो दोस्तों आप ओपन कर लेना, जिस तरह दोस्तों आप अपने चैनल को ओपन करोगे आपके सामने से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके चैनल के बारे में कुछ जानकारी दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड आ जाना है। लेफ्ट साइड दोस्तों आओगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सेकंड ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों वीडियो पर। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं आपके द्वारा, यानी दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है आपने कहीं दोस्तों किसी दूसरे का वीडियो तो अपलोड नहीं कर दिया है, यानी दोस्तों आपने किसी दूसरे के YouTube चैनल से वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे यूज नहीं कर लिया है। अगर दोस्तों आप किसी दूसरे YouTube चैनल से वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं या दोस्तों किसी दूसरे के YouTube चैनल से वीडियो डाउनलोड करके आप आवाज़ अपने YouTube चैनल पर यूज कर लेते हैं तो भी दोस्तों आपका YouTube चैनल पर रियूज कंटेंट आ जाता है और आपका दोस्तों YouTube चैनल है वो रियूज कंटेंट की वजह से डिसेबल हो जाता है मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी वीडियो को चेक कर लेना है कहीं आपके भी YouTube चैनल पर कहीं दूसरे के वीडियो तो अपलोड नहीं किए हुए हैं। अगर दोस्तों किसी दूसरे के वीडियो अपलोड किए हुए हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च कर लेना है और आपको वहाँ से जो दोस्तों आपको लगता है ये दूसरे का वीडियो है उसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो वीडियो को डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड वीडियो के सामने दोस्तों बॉक्स बने हुए दिखाई देंगे। आपको दोस्तों जिस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं उसके सामने वाले दोस्तों बॉक्स पर आपको क्लिक करना है इस तरह से। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे आपके सामने दोस्तों ऊपर ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एडिट, ऐड टू प्लेलिस्ट, मोर एक्शन। आपको दोस्तों आपको जिस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं आपको उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर मोर एक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको दोस्तों वीडियो डिलीट करने के लिए मोर एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड, डिलीट फॉर ईवर। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, डिलीट फॉर ईवर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे आपके YouTube चैनल से दोस्तों वो वीडियो डिलीट हो जाएगा जो दूसरे का आपने वीडियो अपलोड किया हुआ है। इस तरह से दोस्तों आपको सभी वीडियो को डिलीट कर देना है जो आपने रियूज कंटेंट को दोस्तों अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है दूसरे का वीडियो। तो अभी दोस्तों मुझे मेरे चैनल पर किसी का वीडियो डिलीट नहीं करना है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर अभी मैंने दो वीडियो है दोस्तों वो किसी दूसरे का मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं सबसे नीचे वाले, ये वीडियो दोस्तों मैंने किसी दूसरे के चैनल से डाउनलोड करके मेरे चैनल पे यूज़ किए हुए हैं। इन वीडियो पे दोस्तों आप देख सकते हैं व्यूज़ भी अच्छे खासे आए हुए हैं। एक वीडियो पे दोस्तों आप देख सकते हैं 47,859 व्यूज़ आए हुए हैं और सेकंड वीडियो दोस्तों उस पर 70,954 व्यूज़ आए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे वीडियो है दोस्तों जो कितने वायरल हो गए हैं यूट्यूब पर। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ आपको चैनल को इतना करने के बाद आपको मोनेटाइज कैसे करना है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे आपके सामने दोस्तों मोनेटाइजेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा भी यूट्यूब चैनल रियूज कंटेंट की वजह से दोस्तों डिसेबल हो गया है, यानी दोस्तों मैंने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर किसी दूसरे का वीडियो है दोस्तों वो डाउनलोड करके यूज कर लिया है जिसकी वजह से मेरा चैनल है दोस्तों वो मोनेटाइज नहीं हुआ है और मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है चैनल का। आप यहां पे पूरा देख सकते हैं दोस्तों रियूज कंटेंट की वजह से मेरा चैनल डिसेबल हुआ है। तो मैंने दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को 28 अप्रैल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और दोस्तों उसके 5 दिन बाद मेरे पास ईमेल आया था, उसमें लिखा था दोस्तों कि आपका यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है रियूज कंटेंट की वजह से।
तो अभी आप मेरे चैनल पे दोस्तों देख सकते हैं 4230 सब्सक्राइबर हैं और दोस्तों 7385 पब्लिक और वॉच टाइम है दोस्तों, यानी मेरे चैनल पे अभी दोनों कंप्लीट है चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरा चैनल है वो रियूज कंटेंट की वजह से मोनेटाइज नहीं हुआ है, वो नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरा चैनल है वो रियूज कंटेंट की वजह से मोनेटाइज नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों आपने अपने चैनल से सभी वीडियो डिलीट कर दिया है रियूज कंटेंट वाले, तो उनको डिलीट करने के बाद आपको मोनेटाइज करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रीअप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको दोस्तों अपने चैनल को वापस रीअप्लाई पर क्लिक करना है और आपको चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज देना है। अगर दोस्तों आपके YouTube चैनल पे किसी दूसरे का वीडियो नहीं होगा तो आपका चैनल दोस्तों आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा और दोस्तों आप अपने YouTube चैनल से पैसा कमा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं अगर यूज कंटेंट की वजह से डिसेबल हो गया है तो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे YouTube चैनल के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक है दोस्तों वो मुझे मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आ गया होगा। आप दोस्तों मेरे वीडियो की बताई हुई ट्रिक के हिसाब से दोस्तों आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।